मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। सिटीजनशिप एक्ट को लेकर जामिया मिलिया इस्लामिया में विरोध प्रदर्शन हिंसक रूप ले लिया है। छात्रों को रोकने के दौरान पुलिस और छात्रों में झड़प हुई। आरोप है कि पुलिस ने लाइब्रेरी और हॉस्टल में घुसकर पढ़ाई करने वाले छात्रों की पिटाई की है। जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों और पुलिस के बीच प्रदर्शन उग्र हो गया। इस दौरान बसों में आग भी लगा दी गई। कि आखिर ये क्या कर रही है सरकार? अभी तक धोखा था, ये सरकार हमको बांटती थी, आसानी से बांटती थी। अब ये समझ में आया है कि अब हम बंटने वाले नहीं है। बर्बरता पूर्वक आज हमला हुआ है छात्रों पर, नौजवानों पर, युवाओं पर। हम इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं। जो हिंसा हुई, बसें जो जलाई गई, हम उसके भी विरुद्ध हैं, हम उसकी बहुत निंदा कर रहे हैं। 10 साल छात्र राजनीति में मैंने ऐसे दृश्य कभी नहीं देखे जो मोदी राज में देखने को मिल रहे हैं। दुख इस बात का है कि अंदर छात्र छात्राएं बंद हैं, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। लड़कियां कमरों में अंधेरा करके बैठी हैं, कह रही हैं प्लीज हेल्प, कोई बचा लो। जामिया के छात्रों की पिटाई का विरोध पूरे देश में हो रहा है। जामिया के छात्रों के समर्थन में कई यूनिवर्सिटी के छात्र आ गए हैं। लखनऊ के कॉलेज की ये तस्वीरें हैं जहां जामिया यूनिवर्सिटी छात्र की पिटाई का विरोध ये कॉलेज के छात्र कर रहे हैं। जामिया के छात्रों का समर्थन ये कर रहे हैं। यहाँ पर पुलिस की भारी फोर्स लगा दी गई है और कॉलेज के छात्रों को समझाने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह बिहार की भी तस्वीरें सामने आई है जहां सिटीजनशिप एक्ट को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे लोग आक्रामक हो गए और हिंसा का रूप ले लिया है। ये हिंसा इतना बढ़ गया कि प्रदर्शनकारियों और पुलिस में जमकर झड़प हुई और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। तस्वीरें बिहार के राजधानी पटना कारगिल चौक की है जहां सिटीजनशिप एक्ट को लेकर विरोध हो रहा था। इसी दौरान प्रदर्शनकारी हिंसा का रूप ले लिए और पुलिस चौकी को आग लगा दी। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और हवा में फायरिंग भी की। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।